और 132 में क्या डिफरेंस था किस जगह पर क्वेश्चन ऑफ लॉ है किस जगह पर क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है हाँ जी कल हमने जो डिस्कशन किया था इस डिस्कशन में यह निकल कर आया था कि कुछ जगह पर क्या है कि अपील हो सकती है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों ही है कुछ जगहों पर क्या है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जनरल इंपॉर्टेंस और कुछ जगह पर क्या है सबसे क्वेश्चन ऑफ लॉ है सिर्फ तो कोई बता सकता है मुझे क्या डिफरेंस था 132, 133, 134 हाँ जी एनिमन प्लीज कल के क्लास में आप लोग सारे लोग थे जितने लोग क्लास में थे सर आर्टिकल वन थर्टी टू वन थर्टी थ्री वन थर्टी फोर में मेन डिफरेंस ये था कि वन थर्टी टू जो था सर वो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के रेफरेंस में बात करता है जिसमें सिविल क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स आल्सो इंक्लूडेड हाँ एंड इन द सिविल मैटर्स देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस वन में एक चीज देखिएगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है सर प्लीज सर वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में सर लॉ एंड फैक्ट 131 131 में क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हाँ यस सर ठीक है 131 में करेक्ट 130 2 में क्या है हाँ जी बताइए नॉट सर नॉट यूज्ड एनी पर्टिकुलर वर्ड बट सर इसमें वही लिखा हुआ है सर सिविल क्रिमिन ओनली द ओनली द क्वेश्चन ऑफ लॉ सब्सेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और प्रोसिडिंग प्रोसीडिंग में बी सिविल क्रिमिनल और एनी अदर प्रोसीडिंग ओके सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यस एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीडिंग में भी सिविल क्रिमिनल और एनी अदर प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग मीन की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि यहां पर सिविल प्रोसीडिंग है और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए डिस्प्यूट में ऐसा कुछ नहीं है आर यू गेटिंग माई पॉइंट इसके अलावा अगर हम सिविल की बात करते हैं 133 तो वहां पर क्या दिया गया है कैसा क्वेश्चन होना चाहिए सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ 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 लॉ लॉ जनरल जनरल करेक्ट इसके साथ ही जो जोरिस्टिक्शन की हमने बात की थी तो ये ज्यूरिस्टिक्शन हमने डिस्कस किया जनरली आपको मैंने बताया था कि कौन कौन सा ज्यूरिस्टिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के एक जनरल वे में अगर हम क्लासिफाई करें हाँ जी, क्या ज्यूरिस्डिक्शन है आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा कुछ अदर ज्यूरिस्डिक्शन भी है जैसे कि मैंने बात की थी रेड जूरिस्डिक्शन कंटेम्प जूरिस्डिक्शन उसके अलावा स्पेशल लीव कुछ स्पेशल पावर्स भी साथ में दिए गए जैसे स्पेसिफिक रिव्यू है जो जिसको हम बोल सकते हैं जुडिशल रिव्यू ऑफ इट्स जजमेंट तो ये कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग तो जुरिस्डिक्शन एंड पावर दोनों ही अलग अलग हैं आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद फिर हम पावर्स की बात करेंगे ओके तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की हम बात करते हैं अंडर वन अंडर वॉट आर्टिकल एडवाइजरी जुरीवन वन हंड्रेड 143 थ्री 143 ओके प्लीज एक बार 143 आप रीड करेंगे हाँ एनी वन प्लीज आर्टिकल 143 Power of President to consult Supreme Court. Clause 1. If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for the consideration, and the court may, after such hearing as it thinks fit,

तानुजा 143 में प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी है कि वो ओपिनियन लेगा मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट को देना जरूरी है और ये मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट को लेना ही है ओपिनियन क्यों थिंक नॉट मैंडेटरी इट इज नॉट आफ्टर रीडिंग वन फोर्टी थ्री यू विल फाइंड आउट

माना कि ये क्या है पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है बट इट मे बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इट मे बी क्वेश्चन ऑफ लॉ आर यू गेटिंग सर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अगर कोई ओपिनियन मांग रहा है तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ओपिनियन मांग सकता है ये क्वेश्चन कई बार बनाया गया है प्री में भी कि प्रेसिडेंट मे ऑप्टेन एडवाइजरी ओपिनियन प्रेसिडेंट मे ऑपटेन opinion of a Supreme court on as any question of law or question of fact question of law or fact none of the above or all of the above as a questions have ja question of law and fact question sure. of law and fact mean a president can obtain opinion on a question of law or fact if it appears to the president that the question of law or fact has arisen. और इज लाइकली टू बी एराइज प्लीज हाईलाइट दीज वर्ड्स मीन अगर उसको लगता है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट एराइज है मीन प्रेजेंट टाइम है वो एग्जिस्टेंस में है, या फिर इट मे लाइकली टू अराइज क्या है ये इन फ्यूचर भी अराइज हो सकता है विच इज ऑफ सच नेचर एंड ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस यह कैसा मैटर है कैसा मैटर है पब्लिक जैसे मुझे जो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जहाँ पर रेफरेंस refer, लिया गया हो प्रेसिडेंट ने लिया हो पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू हो वो सर मेरे को याद है जैसे री बेरेबरी में भी एक बार लिया गया था और एक बार जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था और गुजरात में असेंबली इलेक्शन नहीं okay. हुए थे वहाँ के uh, तो एक, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ वैसे ये केसेस आपने पढ़े हैं लेकिन राम जन्मभूमि आपको पता है आप लोगों को याद है yes, sir. राम जन्मभूमि डिस्प्यूट स्पेशल रेफरेंस लिया गया था 1993 में बट सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू गिव रेफरेंस ऑन दिस पॉइंट क्या था सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था ओपिनियन देने में यहां पर मना कर दिया था स्पेशल डिफरेंस 1993 हमें करेक्ट तनुजा याद है आप लोगों को किसी को याद है ये सुप्रीम कोर्ट कैन डिनाई फॉर दिस यस हाँ इसके इसके बारे में yeah. थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी अभी हम इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं जब हमने क्लॉज वन पढ़ा है वन 43 clause 1, एक बार इसकी वर्डिंग्स आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आ, कुछ क्लियर हो पाएगा. एक बार फिर से रीड करेंगे तनुजा प्लीज सारे लोग एक बार Sorry प्लीज. रीडी थ्री क्लॉजी थ्री पार ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रम को That a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question. Yes, please, please, please. Just wait. Yes, President may refer it to the Supreme Court. So uh, it is not a mandatory for President also. Are you getting my point, Tanuja? Yes, sir. It is not mandatory for President that he may. Obtain the opinion from the Supreme Court, or he shall obtain in every case. Uska man It is a discretionary on a president. He may obtain opinion of the president, uh, opinion of the Supreme Court, if any question of law, or question of fact has arisen or is likely to arise, which has a public importance. Are you getting my point, Tanuja? One question is clear. Means president is. It is a discretionary power on a president. President may obtain opinion. Now the.

कि कोर्ट में अपॉन सच हियरिंग मीन्स इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू द कोर्ट दैट ही मस्ट गिव ओपिनियन ऑन दैट क्वेश्चन विच इज रिफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट अंडर वन फोर्टी थ्री क्लॉज वन एक्ट क्लियर अनुज यस सर। क्या समझ में आया वन फोर्टी थ्री क्लॉज वन में अगर कोई रेफरेंस लिया गया है प्रेसिडेंट ने अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई रेफरेंस दिया है ले, ले, से रेफरेंस किया है और कोई ओपिनियन मांगी है तो प्रेसिडेंट के लिए भी वो डिस्क्रिशनरी है ले सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए भी डिस्क्रिशनरी है उसका मन करेगा तो वो ओपिनियन दे देगा नहीं मन करेगा तो वो ओपिनियन नहीं नहीं देगा सर करेक्ट ओके अब यहाँ पर एक बात आती है कि देर आर सर्टन रूल्स रिलेटिंग टू दन फोर्टी थ्री क्लॉस वन विच इज गिवन अंडर वन फोर्टी फाइव क्लॉस फोर एंड फाइव जब आपने रूल्स देखे थे दे आर सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू द रिलेटिंग टू द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड अंडर वन फोर्टी थ्री बाई द सुप्रीम कोर्ट आर यू गेटिंग माई पॉइंट मींस देर आर सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू सबमिटिंग रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड फोर्टी थ्री क्लॉज वन एक सौ पैंतालीस क्लॉज फोर यानी कि वन फोर्टी फाइव क्लॉज फोर एंड वन फोर्टी फाइव क्लॉज फाइव प्लीज रीड एनी Uh, 145 प्लस फाइव क्लास फोर एंड फाइव हाईलाइट करेंगे यहाँ पर जाकर के प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स दिए गए हैं वहाँ पर रूल्स दिए गए हैं आपके इस 143 के 143 रेड विद 145 फोर्टी फाइव क्लॉस फोर एंड फाइव वन फोर्टी थ्री क्लॉस वन रेड विद वन फोर्टी फाइव क्लॉस फोर एंड वन फोर्टी फाइव क्लॉस फोर फाइव एक बार रीड करेंगे एक सौ पैंतालीस चार एंड एक सौ पैंतालीस एनी वन प्लीज

ये एडवाइजरी ओपिनियन क्या है एक तरीके का डिसीजन जैसा है इट मस्ट बी गिवन इन द ओपन कोर्ट अब आर यू गेटिंग माई पॉइंट मीन्स एनी रिपोर्ट विच हैज टू बी सबमिटेड बिफोर द प्रेसिडेंट दैट रिपोर्ट मस्ट बी गिवन इन ओपन कोर्ट आपने देखा है कि एक डिसीजन की तरीके से इसको एक ओपन कोर्ट में दिया जाएगा इट इज अंडेटरी कंडीशन अंडर यस प्लीज एक बार देखेंगे इसमें और आपको कुछ प्रोविजन मिलेंगे आर्टिकल वन फोर्टी फाइव क्लॉस फाइव नो जजमेंट एंड नो सच ओपिनियन शैल बी डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेफ विद द विद कंकरेंस ऑफ अ विदोरिटी ऑफ द जजेस present at the hearing of the case, but nothing in this clause shall be deemed to prevent a judge who does not concur from delivering a dissenting judgment or opinion. Okay, it means like a same nature as a judgment. Opinions shall be given in a majority opinion. कैसे opinion दी जाएगी? जैसे concurrent opinion दी जाती है कि अगर 11 लोगों की bench बैठी हुई है तो उसमें से सात और पांच. क्षरी सात और कितने? छह पांच ग्यारह सिक्स सिक्स कल सिक्स टू सिक्स टू फाइव तो यहां पर किसी भी जज को रोका नहीं जाएगा डिसेंटिंग ओपिनियन लिखने से भी अगर कोई ओपिनियन देना चाहता है प्रेसिडेंट को ही में राइट डिसेंटिंग ओपिनियन देर इज नो बाउंड टू राइट एसेंटिंग ओपिनियन एंड दो कंडीशन है

कभी सुना है आप लोगों ने कि गवर्नर ने कोई ओपिनियन ली हो आभा इज देर एनी सुना इज देर एनी प्रोविजन इन स्टेट जुडिशरी वेयर गवर्नर कैन टेक गवर्नर कैन टेक ओपिनियन फ्रॉम फ्रॉम हाई कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ Is there any provision? It is an exclusive jurisdiction of the Supreme Court only the president can refer a matter to the Supreme Court and can take opinion on any question of fact or question of law if it is expedient to him. That matter has a public importance. And it is not obligated to the court under 143 clause 1. It is not obligated to the Supreme Court that he must give opinion. and it is not mandatory to the president he must take opinion are you getting my point now there is a one controversy ab baat aati hai ki ek word aapne dekha hoga refer it to the court for its consideration kritika apne 143 clause 1 में एक word देखा है refer it to the court for its consideration वेदर प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक दैट रिपोर्ट टू द रिपोर्ट टू रिपोर्ट फॉर द रिकन्शन वेदर कंसिडरेशन इंक्लूड द रिकन्शन ऑल्सो अनुज एक बार अगर प्रेसिडेंट को ओपिनियन सेंड कर दी गई तो वेदर प्रेसिडेंट कैन टेक प्रेसिडेंट कैन रिट प्रट रिपोर्ट फॉर रिकंसिडरेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट सो बिकॉज ये क्या है इट इज जस्ट लाइक अ डिसीजन इट इज जस्ट लाइक अ बिकॉज इट इज गिवेन इन द ओपन कोर्ट एंड फॉर अ प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जो डिचेरी द प्रोविजन वेन एनी थिंग इज रेस इंटिग्रा वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेस इंटिग्रा वेन एनी मैटर हैज बीन रेस इंटिग्रा इट कैन नॉट बी सेंट बैक फॉर द कंसिडेशन

क्या मैंने बताया आप लोगों को रिकंसिडेशन के बारे में प्लीज बताइए क्या बात की हमने ऐश्वर्य बहुत सिंपल सी चीज है बहुत कोई कठिन चीज नहीं है सर, सर जैसे अगर कोई भी प्लीज 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 आपकी आपकी वाइस की

चलिए एक बार फिर से हम आपको रिव्यू करते हैं एक बार फिर से हम एक बार एडवाइजरी ओपिनियन के बारे में बताते हैं एडवाइजरी ओपिनियन इज एक्सक्लूसिव ज्यूरिजिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट मे ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट व्हेन इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट देयर मे बी देर देयर हैज बीन इन डिस्प्यूट डिस्प्यूट है and this question is question has a public importance he may refer the matter to the supreme court for the opinion and it is not a mandatory for president he may may not and supreme court will give an opinion and it is not a mandatory for supreme court also that he must give opinion they may or may not once they have given any opinion on any fact or, uh, fact or law that cannot be reconsidered by the supreme court and president shall not send back that opinion for reconsideration by the supreme court because the matter is res integra and it only can be reviewed kya hai matter review kiya hai because it is given in the open court and for protecting the independence of judiciary it is necessary that that matter should not be heard should not be tempered again and again ओके okay? इसके साथ ही अब एक बात आती है जो कि जिसके बारे में आपने देखा कि 143 फोर्टी थ्री वन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 143 फोर्टी थ्री टू के जरिए कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया है आभा क्या है अभी तक 143 फोर्टी थ्री क्लॉस टू के जरिए कोई भी प्रेसिडेंट ने रेफरेंस नहीं किया है जो कि 143 फोर्टी थ्री क्लॉस टू के जरिए रेफरेंस किया गया हो जो भी रेफरेंस किए गए हैं किसके जरिए किए गए अंडर वोट आर्टिकल 143 फोर्टी थ्री क्लॉस वन संजीव ये बात समझ में आप लोगों को आ रही नहीं आ रही है? थोड़ा सा और क्लियर कर दें yes, no. क्या समझ में आ रहा है more than 10 time reference has been made 10 time opinion has been sought by the president agar main baat karu to sabse pehle reference kab liya gaya the first time when president has taken a reference when first time president has taken opinion on any question of law or fact First presidential reference का नाम कोई बता सकता है मुझे सर केरला एजुकेशन नोट डाउन प्लीज कुछ आप ऊपर से एक दो तीन चार लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे प्लीज ठीक है क्योंकि तो पूछा जाता है वहां ईयर के मुताबिक पूछा जाता है मैच कराने के लिए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मैच करा दीजिए आप कि किस ईयर में कौन सा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया गया विच इज द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन रे दिल्ली लॉज एक्ट 1951 दिस इज द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन रेफरेंस ऑफ दिल्ली लॉज एक्ट 1951 फिफ्टी वन सेकेंड केरला एजुकेशन बिल नाइनटीन थर्ड इन रेफरेंस ऑफ बैरोबरी 1960 एंड फोर्थ इन रेफरेंस ऑफ कस्टम एक्ट 1962 हाँ तो प्लीज एक बार आप लोग अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेंगे कि ऊपर से आपको चार पता है कि रेफरेंस कौन कौन से हैं कौन कौन से रेफरेंस लिए गए इस सीरीज में हाँ जी बताइए सो द फर्स्ट वन इज री दिल्ली लॉज एक्ट 1951, फिफ्टी वन देन केरला एजुकेशन बिल नाइनटीन फिफ्टी एट देन री बेरी बेरी नाइनटीन और सर फोर्थ नहीं लिख पाई कस्टम्स इन रेफरेंस इन रेफरेंस ऑफ कस्टम्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी तो ये कम से कम चार रेफरेंस तो आपको पता ही होने चाहिए मोर देन टेन रेफरेंसेस हैज बीन मेड बाय द प्रेसिडेंट ओके and these all references has been made under article 143 clause 1 till now there is no reference has been made under article 143 clause 2 तो कुछ difference होगा ना फिर क्यों मैं सवाल है जी sir कोई difference होगा ना 143 clause one में और 143 clause two में कौन सा होना चाहिए

and the Supreme Court shall, after hitha, after such hearing, as it thinks fit, report to the President its opinion thereon. Okay. What is the difference? Anyone please? Clause 1 talks about reference in cases where there is a question of,

वन फोर्टी थ्री अंडर वन फोर्टी थ्री क्लॉज वन इफ द क्वेश्चन इज ऑब्स्ट्रैक्ट और स्पेकुलेशन और हाइपोथिटिकल और टू जनरल सुड नॉट बी रेफर क्या है अंडर वन फोर्टी थ्री क्लॉज वन में क्या है इफ क्वेश्चन इज ऑब्स्ट्रैक्ट और स्पेकुलेटरी या स्पेकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और इट्स वेरी जनरल It should not be referred, and if not proper or possible to answer, Supreme Court may refuse to give answer under 143 clause one. Can give the opinion, can give uh, reply that there are certain impediments to give, a refer to, give uh, to give opinion. Are you getting my point? But and. आपको मैंने बताया भी था कि ए, कहां पर किस रेफरेंस में मना किया गया था कहां पर देने से मना किया था एक है इन रेफरेंस ऑफ स्पेशल कोर्ट्स बिल इन 1978 सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू गिव ओपिनियन क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू गिव ओपिनियन रिफ्यूज टू गिव ओपिनियन एंड रिफ्यूज कब कर सकते हैं कर सकते हैं रिफ्यूज क्लॉज वन में हो सर वन फोर्टी थ्री क्लॉज वन क्या होगा वन फोर्टी थ्री क्लॉज वन में हो उसके साथ ही वेन क्वेश्चन रिफर्ड इज एबस्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल और इट्स वेरी जनरल क्वेश्चन आर यू गेटिंग माई पॉइंट एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव आंसर इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर नहीं बोला गया था एम सॉरी दिया था बिल में नहीं था लेकिन किस केस में मैंने भी बताया था आपको बताया था आपको आ, राम जन्मभूमि राम जन्म यस यस राम जन्मभूमि डिस्प्यूट स्पेशल रेफरेंस नंबर 1993 जहां पर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था ओके okay? तो कुछ जगह हमने आपको जो बताई हैं कहां पर रिफ्यूज किया जा सकता है जब क्वेश्चन कैसा हो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जनरल क्वेश्चन हो या फिर वो एब्सट्रैक्ट स्पेकुलेटिव क्वेश्चन अगर कोई रेफर किया गया है तो ठीक है इसके साथ ही अगर हम बात करें 143 जहां पर आपने देखा कि क्या है मैंडेटरी है कोर्ट इज ओबलाइज टू गिव ओपिनियन कोर्ट इज ओबलाइज टू गिव ओपिनियन टिल देर इज नो रिफरेंस अभी तक तो जैसा कि मैंने पढ़ा है तक मैंने देखा है तो अभी तक कोई ओपिनियन ली नहीं गई 143 फोर्टी थ्री क्लॉस टू में जहाँ पर मैंटरी है कि सुप्रीम कोर्ट हैजू गि ओपिनियन इज ए क्लियर रोल ऑफ यू प्लीज सजी हो कोई डाउट है यहां पर प्लीज डाउट प्लीज इप्शिता आप लोग थोड़ा सा बोल लीजिए नो सर नो सर कोई अगर डाउट है कोई और बात है तो आप लोग बात कर लीजिए काफी दिन बाद शायद मुलाकात हो रही है आप लोगों से क्यों यस सर आप लोगों से कहता हूँ कि पढ़ लो पता नहीं कब कौन कहाँ चला जाए क्यों टाइमली अटेंड कर लीजिए वरना कुछ पता नहीं है किसी का कब कौन कहाँ चला जाए जितना टाइम है उसका इस्तेमाल कर लीजिए हाँ तो ये एडवाइजरी ओपिनियन आपको समझ में आया कोई डाउट है प्लीज़ अब इसके बाद आप वन थ्री का बाकी कोई प्रोविज़न है एक बार देखिएगा हाँ जी नो था सर इसमें लास्ट में कुछ एक पैराग्राफ जैसा दिया है कही तो पढ़ दें हाँ हाँ जस्ट वेट प्लीज एक बार मुझे देखने दीजिए हाँ जी वन फोर्टी थ्री क्लॉस टू में एक आ, हाँ आपने दोनों ही पढ़ दिए ना करेक्ट जी सर क्लॉजेस दोनों पढ़ दिए थे उसके नीचे कुछ टेक्स्ट दिया दैट इज द नोट्स ओके ओके सर हाँ बस इसकी जरूरत नहीं है कि एक एग्रीमेंट हुआ है इन्होंने इलास्टेशन दिया है आप लोग देख सकते हैं ठीक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एक एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट में कोर्ट कैन नॉट एज्यूम पावर ऑफ पावर एंड रिजेक्शन टू यूनिटर ऑफ इंडिया ये कोई मैडमस इशू नहीं की जा सकती है कि प्रेसिडेंट क्या करे रेफर करेडेंट सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले आर यू गेटिंग मे पॉइंट इट इज नॉट अ ड्यूटी लीगल ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू टेक अडवाइज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर यू गेटिंग मे पॉइंट क्या नहीं है कि वन टू थ्री वन टू थ्री एग्रीमेंट जो है ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट है तो इसमें मैंडमस इशू नहीं की जा सकती है प्रेसिडेंट को कि एग्जीक्यूटिव क्या करे ओपिनियन ले सुप्रीम कोर्ट से इट इज इट इज अ इट इज नॉट अ मैंडेटरी ड्यूटी प्रेसिडेंट मे टेक एडवाइज और मे नॉट टेक एडवाइज अंडर वन फोर्टी थ्री क्लॉज वन एंड वन फोर्टी थ्री क्लॉज टू ऑल्सो बट सुप्रीम कोर्ट इज होबलाइज अंडर वन फोर्टी थ्री क्लॉज टू टू गिव ओपिनियन आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस सर। ओके सो ये आपने देखा कि 143 फोर्टी आपने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ा अब इसके साथ ही आ, अगर हम बात करें तो देर आर सर्टन पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अभी तक जुरिस्डिक्शन आपने देख लिया अब कुछ सर्टन पावर्स हैं तो सबसे पहले जो हम पावर की बात करेंगे दैट इज अ पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस इसके बारे में हमें बात करने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये जो पावर है एक्सटर्नरी पावर दैट इज जस्ट द इनहरेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइक अगर क्रिमिनल मैटर्स में फोर एटी टू सिविल मैटर्स में वन फिफ्टी वन इसी तरीके से इट इज एक्सक्लूजिव पावर एंड इट इज एक्सट्रॉनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस वेदर ऑन एनी कॉज और मैटर यहां पर दो वर्ड दिए गए क्या है एक बार प्लीज रीड करेंगे वन फोर्टी टू Article 142 Enforcement of Decrees and Orders of Supreme Court and Orders as to Discovery, etc. Clause 1 The Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by the parliament and until provision in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe okay it means this provision is a very wide provision it is very uh, plenary power Both exclusive power hai Kaisa exclusive power hai ye? it's very exclusive power president या पार्लियामेंट सिर्फ इन्फोर्समेंट के रूल्स बना सकते बट सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड कंप्लीट जस्टिस क्या है इन एनी मैटर और इन एनी कॉज विच इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आर यू वेटिंग माई पॉइंट एनी कॉज और मैटर इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इट मे बी सिविल और अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में पास एनी डिक्री और सेंटेंस एंड ऑर्डर for doing a complete justice and it is an inherent power it cannot be ousted, this, this power is curative in nature this power is in a curative in nature and it, it supplements the law it supplements the law not supplant the law क्या है ये कैसा नेचर है इसका सप्लीमेंट लॉ नॉट सप्लैंड द लॉ इट इट इज इट इज फॉर द सप्लीमेंट लॉ इट इज फॉर सप्लीमेंट द लॉ सप्लीमेंट जस्टिस नॉट सप्लाइंट द जस्टिस इट इज क्यूरेटिव इन नेचर अगर 142 की बात करें हम तो ये क्या है इट इज क्यूरेटिव इन नेचर एक बार प्लीज आ, आप रीड करेंगे आर्टिकल वन फोर्टी टू को एक बार रीड करेंगे सारे लोग एक बार अच्छे से इस प्रोविजन को देख लेंगे कि क्या वन फोर्टी टू में क्या दिया गया है प्लीज सर क्लॉज वन दोहराना है कि क्लॉज टू पर नहीं नहीं पूरा ही प्रोविजन पूरा ही प्रोविजन एक बार रीड कर देंगे आर्टिकल वन फोर्टी टू Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc. Yes. Clause one, the Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree Or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by the Parliament, and until provision in that behalf is so made in such manner as the President may by order prescribe. Okay. Clause 2. Huh. Subject to the provisions of any law made in this behalf by the Parliament, the Supreme Court shall, as respects the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or the investigation or punishment of any contempt of itself. Okay. It means. सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन फॉर अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन ऑल्सो एनी डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो सारे तरीके के पावर दिए गए हैं और ये जो कम्प्लीट जस्टिस का जो प्रोविजन है इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर चाहेंगे तो देर इज़ अ वन केस लॉ ऑन दिस पॉइंट कुछ पॉइंट्स अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे कि आर्टिकल वन फोर्टी टू इज़ अ क्यूरेटिव इन नेचर सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ रिस्ट्रेन प्रोविजन माना कि आपको कंप्लीट जस्टिस करने का पावर है बट दैट पावर मस्ट बी यूज स्पेरिंगलीके तो यहां पर आपने देखा कि यह जो पावर है आर्टिकल वन फोर्टी टू इज अटिव इन नेचर It is a self-regulatory and a self-restrained provision. It is a self-regulatory and a self-restrained provision. Unlimited power. Unlimited power has been given for doing a complete justice. And for ex justice Justicio, what is casa provision? It is a. It is for the ex DBCO justicio in the interest of the justice. Supreme Court can pronounce any decree and any order that order shall be enforceable throughout the territory of India. And for the enforcement of that order, president or parliament may make law. Are you getting my point? Sanjeev. Yes, sir. No. क्या समझ में आया प्लीज थोड़ा सा एक बार इसको ब्रीफ करेंगे 16 हाँ हां जी 142 इज इनहेरेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज वेरी वाइड एंड वेरी एक्सक्लूसिव इन इट्स नेचर एंड इट हैज टू बी यूज्ड इन अ रूटीन मैनर सॉरी इट इट डज नॉट हैव टू बी यूज्ड इन अ रूटीन मैनर इट हैज टू बी यूज्ड स्पैरिंगली एज इट्स इट्स अल्टीमेट इट गिव्स द अल्टीमेट पावर

तो ऐसा नहीं है कि 142 आपको मिला हुआ है तो आप कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं कर सकते यूर सेल्फ रिस्ट्रेन प्रोविजन आपको सेल्फ रिस्ट्रेन रहना है आप उस पावर को इस्तेमाल करना है तो आप देखते हुए इस्तेमाल करना कि ऐसा तो नहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है ओके सेल्फ रेगुलेटर एंड सेल्फ रिस्ट्रेन टू सप्लीमेंट द लॉ नॉट टू सप्लैंट द लॉ एंड प्लीज वोट इज अ स्कोप uh, ऑफ uh, 142 फोर्टी इज़ वन केस लॉ ऑन दिस पॉइंट एआर अंतुले वर्सेस आर एस नायक 1988 एटी 1988 सुप्रीम कोर्ट केस नोट कर लेंगे स्कोप वाज़ डिस्कस्ड स्कोप ऑफ 142 इज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ एआर अंतुले वर्सेस आर एस नायक आई आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट 142 का एक स्कोप थोड़ा सा डिस्कस किया गया इस केस में आप लोग नजर डालेंगे देखेंगे क्या है कि क्या ए आर एंतुले वसा सारे नायक में बोला है 142 के पावर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इनवर्टेड कॉमा में नोट करेंगे हाउ एवर वाइड हाउ एवर वाइड एंड प्लेन द लैंग्वेज हाउ एवर वाइड एंड प्लेन द लैंग्वेज आप लोग लिख पा रहे हैं प्लीज यस सर कोई ऐसा है जो लिख नहीं पा रहा है प्लीज बताएगा मुझे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है लिखने में प्लीज इन्वर्टेड कॉमा में नोट करेंगे हाउ एअर वाइड एंड प्लेन री द लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल कॉमा द डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट द डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट should not be inconsistent with, should not be inconsistent with, comma, repugnant to or repugnant to or in violation of the in violation of the specific provision of any statute. Full stop. तो जैसे आपने सीआरपीसी uh, में 482 को देखा था 151 को देखा था सीपीसी में कि स्पेसिफिक प्रोविजंस अगर दिए गए हैं तो उनको किसी तरीके से डेरेगेटरी नहीं करना है उनको किसी तरीके से इनकंसिस्टेंट नहीं करना है और ये पावर जो आपका है वन फोर्टी टू डू कंप्लीट जस्टिस इफ देर इज अ वैक्यूम दैट वैक्यूम शुड बी फिल्ड थ्रू द वन फोर्टी टू टिल द इनैक्टमेंट टिल द लेजिस्लेचर हैज इनैक्टेड द लॉ एग्जाम्पल विशाखा इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था याद है आप लोगों को कि डायरेक्शन इशू किए जा सकते हैं yes, इसके पहले सीआरपीसी में एक प्रोविजन डिस्कस किया था विदर कंपाउंडेबल विद नॉन कम्पाउंडेबल ऑफेंडेड आफ्टर यूजिंग टू और सीआरपीसी इन हाई कोर्ट फोर एटी टू एंड इन सुप्रीम कोर्ट वन फोर्टी टू याद है आप लोगों को यस yes, सर हमने डिस्कस किया था ना कि कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या कंपाउंड किया जा सकता है आफ्टर यूजिंग अ 142 इन द सुप्रीम कोर्ट तो क्या था कि इट कैन बी क्वेस्ट अंडर 142 इट कैन बी क्वेस्ट अंडर 142 इफ दैट ऑफेंस हैज अ कमर्शियल फ्लेवर इट इज नॉट ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द पार्टीज ओनली आर यू गेटिंग माई पॉइंट अनामिका याद है आप लोगों को यस yes, सर कि 142 फोर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं बट दैट शुड नॉट बी इन डेरोगेशन स्पेसिफिक प्रोविजन गिवन इन द इंस्टीट्यूट अगर इंस्टीट्यूट में कुछ दिया गया है तो उसका डेरोगेशन नहीं होना चाहिए क्यों हाँ यस इप्शिता प्लीज बताइए इप्शिता सर क्या बताना आप कुछ पूछ रहे थे हमें लग रहा है नहीं सर आप पूछे ना मतलब ये मतलब ओके okay, वो ठीक है ठीक है ओके okay. हां तो क्या लिखा आपने एआर अंतुले वर्सेस आर नायक में क्या स्कोप बताया है 142 का सुप्रीम कोर्ट ने एक बार प्लीज रीड कर देंगे आप लोग पैराग्राफ अनामिका प्लीज रीड द पैराग्राफ यस सर इन एआर अंतुले वर्सेस आर एस नायक एआईआर 1983 Scope 88, of 88, was, 88, 88, Anamika, 88, A -I -R 88, air, 1988, supreme court. Ha, scope of 142 was discussed. however wide and plenary the language of the article, the direction given by court should not be inconsistent with repugnant to or in violation of the specific provision of statute. okay. आई थिंक this क्लियर ऑल ऑफ यू प्लीज ए आर अंतुल आर एस नायक की रीजनिंग आपको समझ में आई होगी अनुज कोई डाउट है किसी को नो सर ओके देर इज वन मोर केस लॉ ऑन दिस पॉइंट बस एक केस लॉ और आप लोग नोट कर लेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विनीत नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है विनीत नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर नाइनटीन नाइनटी एट सुप्रीम कोर्ट बस इसके बाद आपको ज्यादा केसेस नहीं हम बताएंगे ठीक है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ई आई आर नाइनटीन नाइनटी एट सुप्रीम कोर्ट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एम्पल पावर्स कन्फर्ड ऑन द कोर्ट अंडर आर्टिकल थर्टी टू कोर्ट ऑब्जर्व दैट एम्पल पावर्स कन्फर्ड ऑन द कोर्ट्स On the court, not courts, court under Article 32, 141, 142, and 144 to issue necessary directions to necessary directions. So, articles repeat, up, please? Article 32, 141, 142, and 144. हाँ जी एक बार बताएगा मुझे कोई वन थर्टी टू वन फोर्टी वन वन फोर्टी टू एंड वन फोर्टी फोर में क्या क्या दिया गया है आप लोगों को प्रोविजन याद भी है या नहीं थर्टी टू तो पता ही होगा आपको इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट थ्रू थ्रू अप्रोप्रिएट थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग एंड वन फोर्टी वन इज

under article 32, 141, 142 and 144 to issue necessary directions to fill the vacuum to fill the vacuum till either to fill the vacuum till either the legislature steps into the it steps into steps into cover the gap or डिस्चार्ज इट्स रोल कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पल पावर दिया गया कन्फर किया गया है कि अगर कोई लेचेस हैं कोई सॉरी सॉरी कोई ग्लिचेस हैं जो कि लेजिस्लेचर के ग्लिचेस हैं कोई वैक्यूम है जो कि फिल नहीं है लेजिस्लेचर के जरिए लॉ नहीं बनाया गया है उन सब जगहों पर नेसेसरी डायरेक्शन देने के लिए 32, 141, 142, 144 फोर्टी टू वन फोर्टी फोर दिज ऑल एंड एम्पल पावर हैज बिन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट ओके इसके साथ ही एक केस और हम थोड़ा सा बताएंगे आई एम सॉरी कि अगर फॉलोइंग द विनय चंद मिश्रा विनय चंद मिश्रा किस कहां से रिलेटेड केस है कोई बता सकता है कल डिस्कस किया था हमने इन रेफरेंस ऑफ विनय चंद मिश्रा कंटेम ऑफ कंटेम केस कंटेम की प्रोसीडिंग है करेक्ट तो इन फॉलोइंग द विन चंद मिश्रा इट इज एडवाइजेबल टू द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी थिंक इट एडवाइजेबल टू लीव दिस पावर अनडिफाइंड एंड अनकैटलॉग जो 142 का पावर है ना इसको डिफाइन करने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है क्यों नहीं जरूरत है गुरलिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये इस केस में कहा भी गया डी डी वर्सेस स्कीपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड विनय चंद मिश्रा को फॉलो करते हुए हाँ जी एम आई ऑडिबल ओके यस इसकी पावर को स्कोप को डिस्कस किया गया कि इस पावर को क्या करें लिमिट कर दें इसका कोई डेफिनेट एक क्राइटेरिया तय कर दें कि 142 इस इस स्कोप में इस इस स्फ़ेयर में हम इस्तेमाल करें एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दें कि 142 कैन बी यूज इन दिस वे और इन दिस मैनर और इन दिस इन केस ऑफ डीडीए वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टिपर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्या होगा सृष्टि तो अगर, अगर एक वाटर टाइप कंपार्टमेंट हो जाएगा तो ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा यस सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत होगी उस पावर को इस्तेमाल करने में हाउ सुप्रीम कोर्ट विल डू कंप्लीट जस्टिस इफ देर इज अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि ये एक पैरामीटर है इस पैरामीटर पे 142 का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन आएंगे जहां पर वो पैरामीटर क्या नहीं होगा अप्लाई नहीं हो पाएगा तो इस केस में कहा गया डीडीए वर्सेज इसकीपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड विनय चंद मिश्रा को फॉलो करते हुए कि देखिए इसको छोड़ दीजिए इट इज अप टू द कोर्ट एंड एज पर द सर्कम्स्टेंसेज एंड द सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट विल अप्लाई दिस प्रोविजन एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड इट इट इज नॉट नेसेसरी टू और डिफाइन और कैटलॉग द पावर इस पावर को कैटलॉग कर दिया जाए नीड टू मेक डेफिनेट दिस मेक दिस प्रोविजन डेफिनेट ओके जेट क्लियर ऐशर हाँ जी यस ये चीज समझ में आपको आई कि नहीं प्लीज आप लोग बताएंगे क्या समझ में आया कि वन फोर्टी टू क्या है इसको इलास्टिक रहने दिया जाए जितना बढ़ाना है इसको बढ़ा लिया जाएगा जरूरत के मुताबिक कैटेलॉग अन कैटेलॉग छोड़ दिया जाए इसके साथ ही अनडिफाइंड रखा जाए यही ठीक है और इन रेफरेंस ऑफ विनय चंद मिश्रा को फॉलो किया गया डी डी ए वर्सेज स्कीपर कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में तो ये एक जो वैक्यूम है लेजिस्लेचर का उसको फिल करने के लिए 142 का इस्तेमाल किया जाए ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का टू डू कंप्लीट जस्टिस दैट शुड बी यूज इन स्प्रेंगली नॉट इन रूटीन मैनर ओके इसके साथ ही अगर हम एक और बात करें तो एक और पावर है पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट हेडिंग डाल लेंगे पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट अंडर आर्टिकल 137 थर्टी हाँ कुछ लोग हैं इसमें जो जुडिशल uh, रिव्यू और रिव्यू में अंतर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कोई बताएगा ऐसा कोई है जो जुडिशियल रिव्यू और uh, इस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट में अंतर जानता है या नहीं जानता है ऐसा तो नहीं कोई जो नहीं जानता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज इज दैट इज नॉट गिवेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं दिया गया है फ्रॉम वेर इट हैज बीन टेकन जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया यूएस 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 In the case Marbury versus Madison, Justice Marshall has explained the power of judicial review. And it was included in Article 13. Que Article 13 may, if anything, any law, it is pre whether it is a pre-constitutional or a post-constitutional law, if it is inconsistent with the fundamental rights, then it can be invalidated by the Supreme Court. Kisi bhi act, law, rules, bylaws, regulations... अगर वो लॉ है तो लॉ की डिफिनेशन दी गई है लॉ एंड लॉ इनफोर्स दोनों ही इनको चैलेंज किया जा सकता है इफ इट इज अ फंडामेंटल राइट एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच केस इट वॉज डिक्लेयर इन विच केस इट इट इज डिक्लेर दैट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई आर आई आर आप दो दो केसेस के नाम बता रहे हैं एक साथ आई कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु तमिलनाडु आर कोहलो ओके यहां पर कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर है इट कैन नॉट बी ऑस्टेट इट कैन नॉट बी कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी अब्रिस्ड और टेकन अवे बाई एनी इंस्टीट्यूट और पार्लियामेंट इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्सिता दैट इज अडिशियल रिव्यू दैट इज अडिशियल रिव्यू एंड दैट जुडिशियल रिव्यू कैन बी टेकन ऑन एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेजिस्लेटिव एक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बट दैट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी टेक एन ऑन द जुडिशियल एक्शन एप्सिता अब जुडिशियल एक्शन के ऊपर रिव्यू कैसे लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देती है सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू टेक रिव्यू ऑन इट्स ओन जजमेंट उस जजमेंट के ऊपर रिव्यू अंडर वन थर्टी सेवन वो ले सकती है yes, समझ में आया क्योंकि जुडिशियल हाँ. रिव्यू किन एक्शन पर लिया जा सकता है एग्जीक्यूटिव एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेजिस्लेटिव एक्शन बट नॉट ऑन अ जुडिशियल एक्शन और सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है अपनी गलती सुधारने का रिव्यू करने का अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने का दे कैन दे कैन यू दे कैन टेक अ यू टर्न फ्रॉम हिज ओन जजमेंट ओके यस सर इज इट क्लियर जी सर कोई डाउट है प्लीज यहां पर किसी को हाजी 140 uh, 137 एक बार एडिट करेंगे प्लीज व्हाट इज द पावर ऑफ ज्यूडिस पावर ऑफ रिव्यू ऑन इट्स जजमेंट्स पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट 137 प्लीज आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145

सल मेक द रूल्स रिलेटिंग टू द रिव्यू ऑफ इट्स ओन जजमेंट ऑन वॉट टाइम विद इन वट टाइम रिव्यू कैन बी टेकन ओके वट टाइम एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कैन बी फाइल्ड आर यू गेटिंग माई पॉइंट कौन रूल बनाएगा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ओके इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अगर रिव्यू किसी सिविल अपील का रिव्यू है सिविल मैटर का अगर रिव्यू है अंडर वन थर्टी सेवन कोई सिविल केस है उसका अगर रिव्यू है तो देर आर सर्टेन ग्राउंड्स व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच रिव्यू कैन बी टेकन किन ग्राउंड्स पर रिव्यू हो सकता है जी ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जहां पर रिव्यू किया जा सकता है किन ग्राउंड्स पर रिव्यू हो सकता है कोई बता सकता है मुझे नो डॉन प्लीज इन अ सिविल प्रोसीडिंग रिव्यू कैन बी एंटरटेन ऑन द ग्राउंड्स फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस new evidence correct man discovery of new and important matter of evidence mistaken or mistake or error mistake or error apparent on the face of record second point and third any other sufficient reason देखिए रिव्यू प्लीज रिपीट द लास्ट वन एनी अदर सफिसियंट रीजन एनी अदर सफिसियंट रीजन बहुत ही डिफिकल्ट है जब हम लोग सी में रिव्यू पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे ओके ठीक है ओके okay, सर हम जब वहाँ रिव्यू पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे लेकिन अगर कोई सिविल मैटर में रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर रहा है किसी जजमेंट का अपने या ऑर्डर का तो कुछ जनरल प्रोविजन हैं जैसे कि ये ग्राउंड एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस and second mistake or error apparent on the face of record third any other sufficient ground sufficient reason on these grounds review can be preferred what is a review uh, ye review kya hai iska object kya hai koi bata sakta hai Review क्या है ये क्योंकि human fallibility expected है गलतियां हो सकती हैं क्यों टिंग माई पॉइंट हाँ जी क्या हो सकता है human जो एरर हैं वो पॉसिबल है गलती किसी से भी हो सकती है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है रिव्यू का कि यह रिव्यू क्या है इट इज अ रिकंसिडरेशन टर इज ह्यूमन इट इज टू एर ह्यूमन और इस गलती को सुधारा जाए और जितनी जल्दी सुधारा जाए उतना अच्छा है इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सो प्लीज देर इज अवन केस लॉ ऑन दिस पॉइंट एस नागराज वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका एस नागराज वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका स्कोप ऑफ रिव्यू वॉज डिस्कस्ड स्कोप ऑफ रिव्यू वॉज डिस्कस्ड क्या लिखा आपने केस का नाम एस नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक यस एस नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1993 सुप्रीम कोर्ट एस नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1993 सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लिटरली एंड इवन ज्यूडिशली मीन्स री एग्जामिनेशन और रिकंसिडरेशन देखिए ये थोड़ा सा आप लोग आज याद कर लीजिए आगे सीपीसी में भी काम आएगा आपको कहां पर काम आएगा आभा? कहां पर काम आएगा जब सीपीसी में जब आप रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा रिव्यू क्या है इसका स्कोप क्या है देखिए रिव्यू जनरली सब सेम है लेकिन वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स का ठीक है तो यहां पर जनरली रिव्यू का स्कोप डिस्कस किया जा रहा है एस नागराज वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका नाइनटीन रिव्यू लिटरली एंड एवर इवेंट जुडिशली मींस री एग्जामिनेशन और हाँ जी केस का नाम नोट करेंगे एस नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1993 Supreme Court review literally and even judicially means re-examination or a reconsideration. Full stop. Basic philosophy in, in her, please don't know, Basic philosophy inherent in it, basic philosophy inherent in it is the universal acceptance of human fallibility. Basic philosophy inherent in it is the basic philosophy inherent in it is the universal acceptance of human fallibility. Full stop. rectification of an order rectification of an order thus seems from the fundamental principle rectification of rectification of an order rectification of an order thus seems from the fundamental principle that Justice is above all. Justice is above all. It is exercised to remove the error. It is exercised to remove the error and not for disturbing finality. Not for disturbing finality. Please repeat. क्या लिखा आपने लास्ट का थोड़ा छूट गया मैं पहले का पढ़ दे रहा हूँ हाँ जी एस नागराज वर्स स्टेट ऑफ कर्नाटक 1993 सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लिटरली एंड इवन जुडिशियली मींस री एग्जामिनेशन एंड और रिकन्सिडरेशन बेसिक फिलॉसफी इनहेरेंट इन इट इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉलिबिलिटी ऑफ एन ऑर्डर दस सीम्स फ्राम द दस सीम्स फ्राम द फंडामेंटल प्रिंसिपल छूट गया फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट जस्टिस इज अब जस्टिस इज अब इट इज एक्सरसाइज टू रिमूव द एर इट इज एक्सरसाइज टू रिमूव द एर एंड नॉट फॉर डिस्टर्बिंग फाइनेलिटी एंड नॉट फॉर डिस्टर्बिंग फाइनेलिटी तो अगर हम बात करें तो रिव्यू की तो क्या है ये रिकन्सिडर करने के लिए रेक्टिफिकेशन करने के लिए और इसका कोई भी संबंध किससे नहीं है फाइनलिटी डिस्टर्ब करने से नहीं है अगर कोई एरर है तो उस एरर को सही कर देना है लेकिन फाइनलिटी को डिस्टर्ब करना इसका मकसद नहीं है ठीक है तो इसके लिए रिव्यू लिया जा सकता है हाँ तो ये 137 आपने देखा कि ये भी एक पावर है सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वन थर्टी सेवन भी एक क्यूरेटिव रेमेडी है और इसके साथ ही एक पिटीशंस आती है क्यूरेटिव पिटीशन आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द क्यूरेटिव पिटीशन कोई जानता है इसके बारे में हाँ जी एनीवन नोज अबाउट द क्यूरेटिव पिटीशन जी सर तो क्यूरेटिव पिटीशन के लिए अंडर व्हाट आर्टिकल क्यूरेटिव पिटीशन विल बी फाइल कोई बता सकता है क्वेश्चन आया हुआ है एक बार हाँ जी बताइए बताइए कोई बता सकता है अंडर वॉट आर्टिकल क्यूरेटिव पिटिशन कैन बी फाइल रूपा अशोक का केस आप लोगों ने देखा होगा रूपा अशोक खुर्रा बस अशोक खुर्रा Yes, sir. उसी में शायद जी सर जेटी 2002 2002 का केस है ये तो प्लीज नोट डाउन क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था शायद हरियाणा में ही शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन कि क्यूरेटिव पिटिशन कैन बी फाइल अंडर आर्टिकल 137 या न no? 142 क्यों अश्वरे सो so 137 होगा क्योंकि 142 इस पावर ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट और पेटिशन हस्त बी फाइल बाय द पेटिशन सो 137 तो 137 या 142 में क्या है ये कहां फाइल होगा 142 में या 137 में वर्ड्स एक so 137. 137 में तो रिव्यू है और अगर रिव्यू रिजेक्ट हो गया है तो रिव्यू ओवर रिव्यू है ना ये तो क्यूरेटिव पिटिशन एक्सैक्टलीस देन यू कैन गो फॉर क्यूरेटिव पिटिशन अंडर आर्टिकल इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट एंड इज इनहेरेंट पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस आर यू गेटिंग माय पॉइंट संजीव क्या है even after a review petition file under article 137 is rejected by the court then road is not in road nahi hai supreme court has power that person can approach to the supreme court even after the rejection of the review and that that is available under 142 गेटिंग माई पॉइंट क्या है जी सर कहाँ पर जा सकते हैं आप आर्टिकल वन फोर्टी टू आफ्टर द रिव्यू हैज बीन एक बार केस का नाम नोट कर लेंगे इवन आफ्टर रिव्यू पिटिशन फाइल अंडर आर्टिकल वन थर्टी सेवन इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट The court may not be the end of the road. That may not be the end of the road. The court may still review, the court may still review the case under Article 142 as inherent power of the court. In, In the holding it even after a review petition filed under article 137 is rejected by the court the court may still review the case under its inherent power under article 142 on very restricted ground on very restricted grounds and please uh, note down the case law on this point uh, uh, Rupa Asokhura versus Asokhura, Rupa Asokhura versus Asokhura, JT 2002 Supreme Court, JT 2002 Supreme Court. The court observed this court inverted common note calling for us a paragraph please upload. This court to prevent abuse of its process and to cure a gross miscarriage of justice, gross miscarriage of justice may reconsider. May reconsider its judgments in exercise of its inherent power. Inverted comma close. So please repeat the last line. This court, to prevent abuse of its process and to cure a gross miscarriage of justice, may reconsider its judgment in exercise of its inherent power. And there are certain grounds on which curative petition can be entertained. Please note down. First is variation of the principle of natural justice, variation of the principle of natural justice. Second, biasness of a judge, biasness of a judge.

जी किसी को कोई डाउट है प्लीज यहाँ पर नो सर ओके तो ये आपने पावर डिस्कस किया इस पावर के बाद एक और पावर है दैट इज अ स्पेशल लीव पिटीशन वन थर्टी सिक्स पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव पिटीशन हेडिंग डाल लेंगे स्पेशल लीव पिटीशन एक बार 136 आप लोग देखेंगे स्पेशल लेव पिटिशन दैट इज स्टार्टेड विद नॉन ऑब्सटेंटे क्लास स्टार्टेड विद नॉन ऑब्सटेंटे क्लास रस में प्लीज बताइए सिर्फ ग्राउंड्स में आपने वॉयलेशन लिखा है या वेरिएशन बिकॉज़ वेरिएशन 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 हाँ जी 136 एक बार प्लीज रीड करेंगे स्पेशल लीव लीपीटीशन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ स्पेशल लीव इन सर्टेन केसेस ये भी एक पावर है सुप्रीम कोर्ट का दैट इज आल्सो एक्सक्लूसिव पावर जहां पर सुप्रीम कोर्ट आपको स्पेशल लीव दे सकती है वेयर नो अपील इज अलाउड कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे ऑर्डर्स होंगे ट्रिब्यूनल्स के या किसी कोर्ट्स के हाई कोर्ट्स हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी कोर्ट हो जिसका की ऑर्डर क्या है अपीलेबल नहीं है बट आपके पास एक अल्टीमेट रेमेडी है जहां पर जाकर के आप स्पेशल लीव ले सकते हैं अपील करने के लिए प्लीज स्विच ऑफ योर माइक किसी का माइक ऑन है एक बार 136 एक बार बार करेंगे। सुप्रीम yes, हाँ कोर्ट Clause 1 Notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. Okay. It is an extraordinary power of the Supreme Court, Supreme Court's power.

जैसे आपने देखा था कि सिविल में कौन कौन से अपील हैं, फर्स्ट अपील सेकेंड अपील उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं वन थर्टी थ्री में क्यों जनरली क्या प्रोसीजर है अपील करने का रेगुलर अपील्स का क्या प्रोसीजर है 132, 133, 134. क्यों दिस इज अपीलेड जूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ आफ्टर अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन देर इज नो चांस

This is not a right. SLP is not, is not a right of a person. It is a discretionary relief and it is up to the court whether he can grant relief or not. please, 136, Egbar, read karingin. It is a non obstante clause, notwithstanding in a 131 to 134. Please, sir. so clause 1 read, ha, it. Ha, jay, jay. all right. article 136, special leave to appeal by the supreme court. clause 1, notwithstanding anything in this chapter, the supreme court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of india. okay. स्पेशल ली पिटीशन के बारे में आपने देखा कि कहाँ से स्पेशल ली पिटीशन आ सकती है किन-किन जगहों से हाँ जी नो एनी डिक्री ऑर्डर डिटरमिनेशन बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लेकिन अगर हम बात करें किसी मिलिट्री ट्रिब्यूनल से अपील आ सकती है क्या ओह नो सर दैट्स इन सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 में दिया गया तो क्या मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के जो भी डिसीजंस हैं वो फाइनल होंगे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं क्या बताइए नो सर रिव्यू हो सकता है 226 और 32 में रिव्यू uh, हो सकता है 226 और रिव्यू uh, का तो प्रोसीजर नहीं है अब ये सर एल चंद्र कुमार में यही हुआ था ना आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट था कि आर्म फोर्स ने हाई कोर्ट के जुडिस्डिक्शन को हटा दिया गया था तो बोला गया था कि रिव्यू पावर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है कुछ, कोई भी नहीं हटा सकता दैट इज अ अल रिव्यू आर यू गेटिंग पॉइंट दैट इज नॉट अ जनरल रिव्यू आभा यस सर दैट इज अ अडिशल रिव्यू तो वो तो डिफरेंट है लेकिन क्या मिलिट्री मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो डिसीजंस दे दें वो फाइनल होगा उसके खिलाफ कोई जा सकता है क्या

नैन सर इन एनी केस ओन मैटर नैन वन थर्टी सिक्स क्लॉज टू रीड करिए प्लीज सर अंडा आर्टिकल वन थर्टी टू तू वन थर्टी फोर अपील लाइज ओनली अगेन्स ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ़ द हाई कोर्ट सर यही वाला है ना वन थर्टी सिक्स क्लॉज टू प्लीज हाँ जी सर मेरे को बुक में मिल नहीं रहा आर्टिकल 136 आपके पास बुक है या एक्ट है नैन आप लोग 136 थर्टी तो सिक्स तो बुक है 136 थर्टी सिक्स प्लस टू आपके पास बेर एक्ट नहीं है नैन आप लोग कैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेरी ये नहीं समझ में आता है। आप लोग एक्ट तो कम से कम रखिए बुक का कोई काम बुक का कोई काम नहीं है नैन यहाँ पता है बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है ढूंढते रह जाओगे वहाँ पता है सर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं कर रही थी रिव्यू ऑफ द जजमेंट की बात कर रही थी वो भी 32 और 226 में हो सकता है ऐसा मतलब जजमेंट में ऐसा बिल्ड हुआ था ऐसा आई uh, थिंक नहीं है uh, आबा uh, सर एल चंद्र कुमार में जजमेंट हुआ था जजमेंट नहीं रिव्यू हो सकता है दैट इज द पावर ऑफ ज्यूडिशियल रिव्यू वो अलग चीज है uh, जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल का कोई भी ऑर्डर जो कि फाइनल ऑर्डर है जिसके खिलाफ एसएलपी नहीं हो सकती स्पेशल पिटीशन नहीं दी जा सकती सुप्रीम कोर्ट में जो कि 136 क्लॉज टू में दिया गया है अनामिका एक बार रीड करिए 136 क्लॉज टू। यस सर आर्टिकल 136 क्लॉज टू नथिंग इन क्लॉज वन शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट Determination सेंटेंस और ऑर्डर passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces हां जी आभा आप देख रहे हैं यहां पर आप जो बात कहना चाहते हैं उस बात का एक तर्क है रीजन है उसका उसका रीजन क्या हो सकता है कि रिट जुरिस्डिक्शन इज नॉट बार्ड आभा नहीं सर मैं ये नहीं कहना चाह रही कि रिट जुरिस्डिक्शन इज नॉट बार्ड आई एम सेइंग दैट कि आर्टिकल 32 और 226 का स्कोप इतना बड़ा है

इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि क्या कोई मिलिट्री ट्रिब्यूनल का अगर कोई जजमेंट है तो उसको कोई हाई कोर्ट रिव्यू कर सकती है क्या दिस इज अ क्वेश्चन नोट डाउन ऑन द पेपर प्लीज दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू सर हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकते प्लीज 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 आंसर आभा ऑन द स्पॉट देने की कोशिश मत करिए लिख लीजिए इसे नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करना है ठीक है जब तक कि इसको प्रॉपरली ये वन आंसर वन लाइन का आंसर नहीं है क्योंकि इतनी आसानी से मैं तो मतलब जल्दी नहीं मानता लेकिन प्लीज एक बार आप लोग सब लोग रिसर्च करेंगे ठीक है क्या करेंगे क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कागज पर नोट कर लेंगे आप लोग एनी सेंटेंस इज गिवन बाई आर्म ट्रिब्यूनल क्वेश्चन क्या है एनी क्वेश्चन इफ़ एनी क्वेश्चन इज सेंटेंस इज गिवन बाई द आर्म ट्रिब्यूनल विदर इट कैन बी रिव्यूड बाई द हाई कोर्ट टू टू सिक्स ओके अगर हम बात करें वन थर्टी सिक्स की तो स्पेशल लीव पिटीशंस आम ट्राइब्यूनल्स के किसी किसी भी डिसीजंस के लिए उन्होंने एक्सप्रेसली मना किया है कि स्पेशल लीव पिटिशंस नहीं दी जाएगी उनकी अपील नहीं सुनी जाएगी अंडर आर्टिकल वन थर्टी सिक्स इज इट क्लियर संजीव वन थर्टी सिक्स क्लॉस टू क्या कह रहा है कि नो अपील सेल बी एंटरटेन इन केस ऑफ एनी ऑर्डर जजमेंट पास बाय आर्म ट्रिब्यूनल करेक्ट हाँ इसके साथ ही एक केस का नाम नोट कर लेंगे नरपत सिंह वर्सेस जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नरपत सिंह वर्सेस जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वेर यू कैन फाइंड आउट द स्कोप ऑफ वन थर्टी सिक्स आर्टिकल 136 इस स्पेशल लीव पिटीशन स्कोप ऑफ़ स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 नरपत सिंह वर्सेस जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी 2002 SCC जहां पर आपको पता चलेगा कि स्कोप जो है वो 136 का क्या स्कोप है क्या नेचर है इस रेमेडी का और कहां तक इसका एक्सरसाइज इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पिटिशन को प्लीज नो डाउन द एक्सरसाइज ऑफ जुरशन कंफर्ड बाय 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सरसाइज ऑफ जुरशन कंफर्ड बाय आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस कोर्ट is discretionary full stop is discretionary it does not confer a right to appeal it does not confer a right to appeal on a party on a party to a litigation comma it only confers a discretionary power of widest amplitude. It only confers a discretionary power of widest amplitude on this court to be exercised for to be exercised for satisfying the demands of justice. Haanji, ek repeat क्या लिखा आपने एम आई ओडिबुलस एम आई ऑडिबल अभा

कोशिश करिए कि सही सही लिख लीजिए वरना ढूंढने में आपको बरसों लग जाएंगे पता है लिख कर देता हूं मैं आपको ये सब ढूंढने में आपको बरसों लगेंगे और दोबारा आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक ये नरपत सिंह जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी दो सुप्रीम कोर्ट ना इसको खुद से पढ़ने में आपको मालूम है कई साल गुजर जाएंगे अगर मैं टाइम दे रहा हूं तो प्लीज कंसीडर करिए इसको और मैं बोल रहा हूँ किसी को अगर मैं दो बार तो आप लोग सुन रहे हैं आप लोग नहीं बोल रहे हैं मुझे पता है आप लोग लिख नहीं रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं आई नो वेरी वेल और मैं बहस करने की मेरी पता नहीं क्यों आदत ख़त्म हो गई है मैं कम बहस करना चाहता हूँ क्योंकि जितना बताता हूँ उतना सुन लीजिए वो आपके काम आएगा यहाँ पे मैं सत्यनारायण की कथा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सुन करके घर चले जाइए आप सबके पास एम पी जैन होगी आप सब खरीद सकते हैं यू ऑल आर कम्पिटेंट यू ऑल आर एबल टू परचेज दिस बुक बट आर यू ऑल आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द थिंग सब लोग नहीं निकाल के लिख पाएंगे आप उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है और कितना पढ़ लें किताब खरीदना बहुत आसान होता है 2011 में मैंने एल के समय एम पी जैन खरीदी थी नाउ 2021, तुम लोगों के इस भाग्य में लिखा था कि मुझे एक बार उस किताब को अच्छे से देखना था तो मैंने उस किताब को अच्छे से देखा कितने साल बाद पता है ग्यारह के बाद कितने साल हो गए ट्वेंटी करीब दस साल हो गए हैं और अगर आप लोग ये समझते हैं कि नहीं हमको लिखना नहीं है हमको नोट्स नहीं बनाना है तो आप फिर प्लीज़ टू बी वेरी फ्रेंक कई साल लग जाएंगे कई साल एक प्री लिखने में मेंस लिखने में पता है और गलती से अगर प्री हो भी गया ना तो मेंस नहीं होगा ये एकदम श्योर है आप अगर ये सोचते हैं कि मैं प्री निकाल दूंगा मेंस लिख दूंगा बिहार यूपी में जज बनना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है आई एम वेरी श्योर तुम में से सब कोई ना कोई जरूर बन जाओगे सब जो मेहनत कर रहे हो बन जाओगे लेकिन जज बनने के बाद भी कुछ ज्ञान होना बड़ी चीज़ होती है पता है वहाँ भी वही डिस्क्रिमिनेशन है जैसे आपके कॉलेज में आपसे बात नहीं करते होंगे ना कुछ लोग आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं एक क्लास में पढ़ते हैं लेकिन आपसे बात नहीं करते ना वैसे ही जुडिशल एकेडमी में भी है आप जज होंगे लेकिन आपके आसपास कोई नहीं खड़ा होगा इतना आप समझ लीजिए तो ये जो टाइम मैं दे रहा हूं मैंने इसको नोट किया हुआ है इसको नोट कर लीजिए तो बहुत अच्छी चीज़ है वरना ढूंढते रहेंगे फिर आप उसी में ढूंढते रहिए फिर आप घटना ही चक्र पढ़ के आप बैठे रहेंगे और उस घटना चक्र से शायद ही कोई एक घटना हो जाए जिसमें आप मेंस लिख दें अदरवाइज ऐसी कोई घटना होगी नहीं कि आप मेंस लिख देंगे ठीक है सो so, प्लीज एक बार रिपीट करिए नामिका क्या लिखा है आपने यस सर नरपत सिंह जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी Exercise of jurisdiction conferred by Article 136 of the Constitution on this court is discretionary. It does not confer a right to appeal on a party to a litigation. It only confers a discretionary of widest amplitude. Discretionary, on power, this court. discretionary power of widest amplitude on this court to be exercised for satisfying the demands of justice. Yes. Sir. Comma. It is exceptional power to be exercised sparingly. It is an exceptional power to be exercised sparingly, comma, with caution and care with caution and care and to remedy and to remedy. Extraordinary situations, extraordinary situations, or situations occasioning situations occasioning gross failure of justice. Full stop. So. ये जो आपने देखा कि 136 है ये कैसा है एक्सटर्नरी पावर है स्पैरेंगली इस्तेमाल करना है नॉट रूटीन मैनर इस्तेमाल आपको करना है फेलर ऑफ जस्टिस को रोकने की इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए कुछ इसके साथ ही एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो कि मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स के लिए स्पेशल लीव पिटिशंस नहीं होगी वहाँ पर स्पेशल लीव नहीं दी जाएगी आपको अपील करने के लिए एंड आपने जो क्वेश्चन अभी आपने लिखा है उस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़ ध्यान देंगे उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि किसी मिलिट्री ट्रिब्यूनल के किसी भी सेंटेंस को क्या हाई कोर्ट रिव्यू कर सकती है या फिर उसको रिव्यू करने के लिए कहाँ जाना है इस चीज़ को आप लोग कल कोशिश करेंगे तो एक बार देखेंगे ठीक है सो आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटेड आपका जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन थे एक और चीज़ छोटी सी बची हुई थी वो थी रिट जुरिस्टिक्शन आई थिंक रिट जुरिस्टिक्शन वॉज ऑलरेडी डिस्कज इन अंडर आर्टिकल थर्टी टू जब हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था आई थिंक क्यों सर yes, हाँ जी आ, वो डिस्कस किया था हमने डिस्कस डिस्टिंक्शन बिटवीन थर्टी टू एंड टू टू सिक्स वो भी हमने डिस्कस कर लिया था वहीं पर क्यों अनामिका सर yes, हमने वहां पर डिस्कस किया था ना ये हाँ तो रेड जोरिस्डिक आपने देखा आ, वो वहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं इसके साथ ही टू टू सिक्स प्लीज़ नोट डाउन सम आर्टिकल्स टू टू सिक्स टू टू सेवन टू टू एट ये दो तीन आर्टिकल्स आप लोग देखेंगे स्टेट जुडिशरी में जहाँ पर कुछ और भी प्रोविजंस मैं बता देता हूँ आपको प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप लोग टाइम देंगे मुझे तो मैं आपको प्रोविजंस बताता हूँ उनको आप एक साथ नोट कर लेंगे प्री में पूछे जाते हैं इसलिए आपको उनको ध्यान रखना है प्लीज़ जैसे आर्टिकल वन थर्टी आर्टिकल 138, 138. देखिए जो प्रोविजनल आपको पढ़ने हैं एक ओवरव्यू करना है आपको उन प्रोविजंस में आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा वन थर्टी एट वन थर्टी नाइन वन थर्टी नाइन एट इन लार्जमेंट ऑफ जूरिजिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हू कैन इनलार्ज दूरिसम कोर्ट प्लीज एक वर्ड में हाईलाइट कर लेंगे आप लोग प्लीज कौन कर सकता है इन लार्जमेंट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कौन कर सकता Parliament. है पार्लियामेंट बाई लॉ हाईलाइट कर लेंगे इसको प्लीज सेक्शन आर्टिकल्स को हाईलाइट कर लेंगे और नीचे जो लाइन है फर्स्ट क्लॉज में पार्लियामेंट मे बाई लॉ कन्फर्ड

फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कोर्ट को पावर दिया जा सकता है रेट इशू करने का क्यों ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लेकिन ये पावर किसी और कोर्ट को भी दिया जा सकता है अंडर थर्टी टू आपने yes देखा sir, था by by yes, कौन दे सकता है थ्रू पार्लियामेंट ये पावर दिया जा सकता है ना ये सर थर्टी टू के क्लॉज में दिया गया ना कहीं पर फोर में दिया गया एक बार थर्टी टू क्लॉज फोर में दिया yes, गया sir. है क्या दिया गया ये थर्टी टू क्लॉस फोर में क्या है पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर अपॉन एनी अदर कोर्ट यस तो पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है ऐसे ही आपने देखा कि कंफर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रेट्स सुप्रीम कोर्ट को भी और भी डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शंस दे सकती है ये रेट्स कर सकती है ठीक है इसके साथ ही ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस वन कैपिटल ए दैट इज इंसर्टेड बाई द फोर्टी अमेंडमेंट आई थिंक देखिए एक बार नजर डालिएगा वन ए इज इंसर्टेड बाई Yes, sir. Substituted by Constitution, 44th Amendment Act. Hmm. Inserted by? Inserted by? No, sir. 42nd amendment, amendment Act. 42nd Amendment. Correct. 42nd correct, correct. One And 134 capital A? Uh, sorry, 132 capital A. 132. Sorry, sorry. 134 capital A. Certificate. certificate 44th constitutional amendment 44th constitutional amendment thoda sa dhyan rakhiyega 134 capital a 139 capital a 139 capital a is inserted by 42nd number 42nd 2 amendment ha 42 42nd amendment and 134 capital a that is inserted by फोर्टी फोर्थमेंट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे और 139 कैपिटल ए में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस इस प्रोविजन को आपको गोथ्रू होना है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है किसी भी मैटर को ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस वो कुछ केसेस का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है वन थर्टी नाइन कैपिटल ए के जरिए इसको आपको थ्रू होना प्रोविजन में ठीक है इसके साथ ही अगर हम बात करें तो Uh, बाकी को uh, मुझे लगता है कि इधर कोई प्रोविजन नहीं बचा है एंड स्टेट ज्यूडिशरी में आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे हाँ जी स्टेट ज्यूडिशरी में टू टू सिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं टू ट्वेंटी सेवन टेंडेंस कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट जुडिशरी हमने डिस्कस किया हुआ है ठीक है लेकिन यहाँ पर जुडिचरी में एक टू थर्टी थ्री एक बार ओपन करेंगे प्लीज सारे लोग टू ट्वेंटी थ्री सॉरी टू थर्टी थ्री हाँ जी प्लीज कोई रेट करेगा टू थर्टी थ्री को चैप्टर सिक्स सबोर्डिनेट हाँ जी सर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज यस यस करेक्ट तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इट ए डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या तो ये क्या है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टी थ्री में क्या दिया गया है अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जी हाँ जी appointment of district judge. तो आप एक बार थोड़ा सा प्रोविजन रीड कर लीजिए एक बार बस खाली प्रोविजन रीड कर लीजिए बस इतना ही जानना है कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा कैसे होगा यस प्लीज Anyone, please read 233. All right, sir. Article 233 Appointment of District Judges, Clause okay. 1. Appointments of persons to be and the posting and promotion of the District Judges in any state shall be made by the Governor of the state in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such state. Okay. It means clause Appointment of District Judges shall be made by the Governor in consultation with the Judge of consultation with the high court exercising the jurisdiction of particular state correct now a person yes, not already in the service of the union or a state shall only be eligible to be appointed as a judge. So, district judge तो district judge के लिए जो qualification है वो क्या qualification है please एक बार read करेंगे article two two thirty three clause sub clause two sub clause two a person not already in the service of the union or of the state

ठीक है तो ये प्रोविजंस आपको देखने को मिले तो ये अपॉइंटमेंट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं आर यू गेटिंग में पॉइंट किस चीज के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं कुछ अपॉइंटमेंट प्रमोशन से भी होते हैं जैसे कि एडीजे बने एडीजे बनने के बाद फिर उनका प्रमोशन के जरिए अपॉइंटमेंट हो हायर एजुकेशन सॉरी हायर जुडिशल सर्विसेज रूल्स के जरिए उनका प्रमोशन किया जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है कि 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात की गई है यहाँ पर क्योंकि दिमाग से उतर जाता है बहुत लोगों को याद नहीं रहता है कि सबॉर्डिनेट जुडिचरी में भी ये प्रोविजंस दिए गए ठीक है सो so, ये आपका जो जुडिचरी का जो प्रोविज़न जुडिशरी से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे आपने डिस्कस किए कुछ जो प्रोविज़न बचे हैं दो चार हाई कोर्ट के उनको आपको क्या करना है बस गो थ्रू होना है कोई मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं बनता है ठीक है जो बनता है उतना हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है एक और पॉइंट छूट गया है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है ये क्या है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक सेपरेट एक टॉपिक है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही पी फाइल की जा सकती है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हमने शायद डिस्कस किया था थर्टी के समय में क्यों

तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या होगा इमरजेंसी प्रोविजन क्या डिस्कस करेंगे हम लोग हाँ जी इमरजेंसी प्रोविजन हम लोग स्टार्ट करेंगे और इमरजेंसी के बाद हम लोग अमेंडमेंट प्रोसेस ठीक है और अगर टाइम हम लोग देखेंगे जैसा भी होगा तो हम लोग फिर एक सेंटर स्टेट रिलेशंस डिस्कस कर लेंगे करेक्ट इज दर इज दर एनी डाउट यही तीन no, टॉपिक बस हैं इसके अलावा फिर आपको क्या है गो थ्रू तो बहुत कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको करना ही पड़ेगा वो सब कुछ बीच बीच में हमने जेम्बलिंग के हिसाब से हमने बहुत सारे प्रोविजन आपके वैसे ही डिस्कस कराए हैं ठीक है ओके सर जी सर सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ आप अपने नोट्स को संभाल के रखिएगा उनको रिवाइज करते रहिएगा ठीक है और uh, बाकी आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आपको आपकी मेहनत के मुताबिक मिलेगा हाँ मॉर्निंग में क्लास रहेगी ठीक है अब क्लासेस सारी रहेंगी जब तक कोई कहीं तो सी सीआरपीसी सीपीसी हाँ सीआरपीसी होगा ना वो तो एकदम टाइमली चल रहा है जैसे आज तो संडे था इसलिए सीपीसी थी ना ओके ओके